सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। यानी अगर उस तरफ से कोई फ़ोन करता है तो इस तरफ से जो गाना बजेगा वो आप अपने मोबाइल में कैसे सेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है साउंड। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साउंड सर्च कर लेना है। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं ये रहा साउंड, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके पास सिम एक हो सकती है, दो हो सकती है, लेकिन आपको जिस सिम में रिंगटोन लगाना है उसमें आपको क्लिक कर देना है। लेकिन मेरे को सिम नंबर 1 में रिंगटोन लगाना है तो मैं उसमें क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा है एड रिंगटोन। ठीक है, प्लस आइकन में इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगी और यहाँ से जो गाना आप रिंगटोन में लगाना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सिंपली सर्च कर लेना। तो मैं जो है उस गाने को सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो गाइस ये रहा वो गाना, इसमें आपको क्लिक करते जाना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर वो गाना आ चुका है। ठीक है, ये रहा वो गाना, इसमें आपको क्लिक करके सुना देता हूँ। तो गाइस यार, आप देख सकते हैं ये रहा वो गाना, इसमें आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ओके, इसमें आपको क्लिक कर देना है और इसमें आपको नीचे बैक में क्लिक कर देना है और ये आपकी रिंगटोन सेट हो चुकी है। आप जो है फोन लगाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यार, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।